नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और आजकल आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो इस प्रकार के बोर्ड होते हैं ना, ये सब जगह छाए हुए हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। और कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं। अगर इनकी मैं विशेषताओं की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल बोर्ड है। यूनिवर्सल बोर्ड है कि आपके अगर आपके पास चाइना का कोई चार्जर है या कोई केबल है या कोई पिन है तो इसके अंदर लग जाएगी। अगर आपके पास जो यूके है, अगर उनका कोई बोर्ड वगैरह है या फिर पिन वगैरह है, वो भी इस पे लग जाएगी। यानी तीन चार देशों को ये सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग तो इनको इंटरनेशनल बोर्ड बोलते हैं और बहुत सारे लोग इनको यूनिवर्सल बोर्ड बोलते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर भी इन प्रकार के बोर्ड का बहुत ही अधिक उपयोग हो रहा है। यानी अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो लोग सीधे इसको लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये 100 रुपये में, 150 रुपये में या 130 में, मैंने इसको 130 में लिया है। और इसके पीछे बाकायदा लिख रखा है कि 1000 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए स्पेशली पावर सप्लाई के अंदर ये बोर्ड उपयोग कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, इस बोर्ड का नुकसान बहुत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों इस बोर्ड का ये है कि इसके अंदर जो फिटिंग है ना, वो लूज़ रहती है। मैंने ऐसा करके देखा और मैं इनको काफ़ी वक्त से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जैसे आपका पावर सप्लाई है 600 वाट की, जैसे मेरे पास 650 वाट की है, वो इसके अंदर डालोगे ना, वो हमेशा लूज़ रहेगी, ये कभी मजबूत नहीं होती। चाहिए देखो, लूज़ है, लूज़ कनेक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसका एक समस्या ये है, इसके अंदर ये तार देख रहे हैं, वायर, ये आपको मोटा लग रहा है लेकिन जेन्युइन ये बहुत पतला है। मैं आपको बताऊंगा मेरे पास ऐसा काटा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास 150 रुपये का बोर्ड है और इसके द्वारा मैं क्या लाइट वगैरह का उपयोग करता हूँ। अगर आप इसका वायर देखें ना, ये देखिए, थोड़ा मैंने बड़ा किया हुआ, तो ये देखिए कितना पतला है फोकस, ये देखिए इतना पतला। अगर आप 700 वोल्ट चलाएं तो कैसे चलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये इससे भी सस्ता है, तो इसका ये मोटा मिलेगा पर ये उससे भी पतला है, तो इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर वगैरह पे 600 वाट पावर सप्लाई का लोड दे रहे हैं तो ये भरोसेमंद नहीं है। अब तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होने से ये उड़ जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और हो सकता है आपकी जो पावर सप्लाई है वो उड़ जाए। अगर पावर सप्लाई नहीं उड़ेगी तो वो मदरबोर्ड ये उड़ा देगा, ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप जैसे कि इंडियन बोर्ड उपयोग करते हैं, आप जैसे कि मेरे पास ये इंडियन फ्लैग है, देख रहे हो, इंडियन बोर्ड है। किसी है, अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन बोर्ड की, जो इस प्रकार गोल गोल होते थे, मेरे सभी घरों में ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे गोल गोल। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि इसके अंदर जो अब डालते हैं ना, ये बहुत ही तगड़ा कनेक्शन होता है। जैसे अब डाल दिया, ये देखो हिलेगा नहीं भाई, एकदम लग गया, बिल्कुल हिलता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ये लूज रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर आप पावर सप्लाई वगैरह उपयोग कर रहे हो तो आपको इस प्रकार का यूज़ करना चाहिए, और ये वायर है ना, ये मोटा उपयोग करना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मेरे पास एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं केवल LED पर्पज़ के यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास LED वगैरह लगाने के लिए। कंप्यूटर के अंदर मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर के अंदर इस प्रकार का उपयोग करते हैं और आपकी पावर सप्लाई उड़ जाती है, तो आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार बनते हो, क्योंकि इसके अंदर वायर बहुत पतला आता है और ये ज़्यादा वोल्टेज को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बोले लिखते इसके अंदर 1000 वोल्ट, लेकिन आपको इसको ट्रस्ट नहीं करना, ये चाइना के बने हुए हैं और इसके फ्यूज वगैरह किसी पे भरोसे नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप कंप्यूटर के अगर 400 वोल्ट की सप्लाई है, 600 वोल्ट की है, तो उसका जो तार है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए और इंडियन बोर्ड होना चाहिए, इंडियन बोर्ड होता है ना गोल गोल, वो होना चाहिए, उसके अंदर यूज़ करना चाहिए। यूनिवर्सल आप उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपका कंप्यूटर वगैरह उड़ सकता है। इसके अंदर आप जैसे आपका जैसे स्पीकर मेरे पास सब ऊपर 65 वोल्ट के, वो चला सकते हैं। अगर आप मॉनिटर चलाना चाहते हैं 60 वोल्ट, वो चला लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इसके अंदर 600 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा दिया और इसके अंदर 100 वोल्ट की स्पीकर भी लगा दिया, तो ये तो उड़े नहीं उड़े, लेकिन आपका सिस्टम उड़ जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कंप्यूटर संबंधी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, बेल आइकन। थैंक यू।